बैक टू माई चैनल। आई होप तुम सब सही हो, फिट हो, हाथों को सैनिटाइज कर रहे हो और अपना ख्याल रख रहे हो। तो यो बॉय इज बैक विद अनदर रिएक्शन। और आज जो ट्रैक हम सुनने वाले उसका नाम है रैड बाय बेला। तो पिछला ट्रैक भी मैंने रिएक्ट किया था, तब मैंने बोला था भाई रैड भी इसको आ रहा है और मैं उस पर रिएक्ट कर रहा हूं। पर रिएक्शन मेरी आने में टाइम इसलिए लग जाती है बिकॉज सुबह के टाइम मेरा कुछ कोडिंग स्टफ काम रहता, तो उस चक्कर में मैं रिएक्शन बना नहीं पाता। तो शाम होते ही तो तुम्हारा भाई रेडी हो जाता है रिएक्शन बनाने के लिए, हेडफोन्स चेक्ड, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चेक्ड। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द रिएक्शन। एंड टू ऑल द बेला फैंस, यू नो व्हाट टू डू ब्रो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो चलो शुरुआत करते हैं और रैड की शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। एस्ट्रो वर्ल्ड जहाँ पे खत्म हुआ था रैड वहां से शुरू हो रही है। दंगे होंगे भाई। अब लोगों में मशहूर कहानियाँ कि मैंने मेरा जान भर जगा दिया। अब मुझे लोगों से मिले दुआएं कम, इन लोगों को मैंने हैवान से मिला दिया। This is how we begin a new era, new sound, a new music. Yeah. भाई कर तो रहा है, दो दो एल्बम एक साथ दे रहा है हम लोगों को, एक साइड ये होम और एक साइड वो फील हाई, और दोनों भाई अलग अलग बहुत ज्यादा वर्सिटैलिटी भाई दिखा रहा है। और कंसिस्टेंसी की तो बात मैं करके भाई को शर्मिंदा नहीं करूंगा बिकॉज हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन बेला भाई का एक नया गाना आ रहा है। लोगों को मैंने हैवान से मिला दिया, लाया यहाँ पे कौन ऐसा गाना बो, आधे रैपर बंदियों को करते ट्रोल, आधे रैपर गाड़ियों के प्राइस टैग जैसे, आधे रैपर हो गए गुम, आधे रैपरों की मौत हुआ, थोड़ी कलम खा, आधे रैपरों की मौत में बात तो सही है ब्रो। आधे लड़े, आधे जो रैपर से लड़कियों को ट्रोल कर रहे हैं, बाकी के गाड़ियों के शो वो बिग बॉयज टॉयज, बीबीटी बिग बॉय टॉयज, पता है तुम्हें क्या सीन है ना। तो भाई जो भी बातें बोल रहा है सच तो बोल रहा है। करते ट्रोल आधे रैपर गाड़ियों के प्राइस टैग जैसे, आधे रैपर हो गए गुम, आधे रैपरों की मौत हुआ, थोड़ी एक कलम खले जो कसम, किसी को नहीं डिस, किसी पे नहीं शक, किसी को नहीं दिया मैंने फक, मिले मुझे कम हिस्से के गम, हिस्से में रम पड़ी मुझे कम, दिखे मुझे रब अभी मेरे सब, मगर मेरा मन जब भाई साहब आई एम गेटिंग दैट ओल्ड बेला फ्लो, जो वो अंडरग्राउंड फ्लो, जो हार्डकोर फ्लो होता था बेला भाई का, जो मैं पिछले कुछ ट्रैक से मिस कर रहा था, मुझे वापस दिख रहा है यहाँ पे। और भाई साहब रैट नाम है, दंगे होंगे इस गाने के बाद, लेट्स सी। गाड़ियों के प्राइस टैग जैसे, आधे रैपर हो गए गुम, आधे रैपरों की मौत हुआ, थोड़ी कलम खले जो कसम, किसी को नहीं डिस, किसी पे नहीं शक, किसी को नहीं दिया मैंने फक, मिले मुझे कम हिस्से के गम, हिस्से में रम पड़ी मुझे कम, दिखे मुझे रब अभी मेरे सब, मगर मेरा मन जब भी गए तब करूं थोड़ा फ्लेक्स, बेझिझक मैं हथकड़ी में था पर ऐसी चीजें करके हट चुका, मैं हथकड़ी में था पर ऐसी चीजें करके हट चुका। वो ब्रो कम ऑन बिच, आई एम आइकन, ओके के हट चुका बच्चा आइकन, तुझे भी दिखे ना सब के बेला की हो गई ये बुद्धि गर्रम, मैं भरूसा खम जो चले कलम, तो इनसे नहीं होता हजम, मैं दे दू जो बारी सी मात, तो बचेंगे मात्र कुछ कलाकार, ये डरेंगे आगे बढ़ाने से घंटा नहीं बनेंगे इंटरनेट। भाई शुरुआत अगर कर दी बेला भाई ने, अगर शुरुआत कर दी तो जितने फेक रैपर्स है उनकी जिंदगी, उनका करियर होने वाला है समाप्त। इसलिए यहाँ पर क्लियरली बता दिया, अगर मैंने शुरुआत की तो कुछ रैपर्स ही है जो बच पाएंगे। बहुत सही यार, बहुत सही, मजा आ रहा है, लिटरली मजा आ रहा है। मैं दे दूं जो बारी सी मात, तो बचेंगे मात्र कुछ कलाकार, ये डरेंगे आगे बढ़ाने से घंटा नहीं बनेंगे इंटरनेशनल। आप लोगों को चाहिए थी बातें तो दे दी, मेरा कोई आइडल ही नहीं है, ये खुले में सीधी सी बात है भाई, इंडिया में मेरा कोई राइवल ही नहीं है, इंडिया में मेरा कोई राइवल ही नहीं है, ओके ब्रो कम ऑन, ये खुले में सीधी सी बात है भाई, इंडिया में मेरा कोई राइवल ही नहीं है, जो किया है मैंने अकेले में करके दिखा दो भाई, इधर है ग्राउंड। फैक्ट फैक्ट ब्रो फैक्ट, भाई जो अकेले कर रहा है बिना किसी सपोर्ट का, मैं खुले में बोल सकता हूँ ब्रो, कुछ बंदे छोड़ के एक भी नहीं है जो भाई को सपोर्ट कर रहा है। पता नहीं क्यों इतने हेटरेट क्यों है, बिकॉज भाई बहुत ज्यादा टैलेंटेड है यार, अपना खुद का एक इंडस्ट्री बनाने की काबिलियत रखता है। तो यहाँ पे बात जो भाई ने बोली है 100% सच है ब्रो, मोहर लगा के बोल सकते हैं 100% सच है। छोटे छोटे बाल, ये एक्चुअली साइड लुक से तो बहुत सही लग रहा है, अब फ्रंट फेस में पता नहीं, बट साइड लुक में सेट कर रही है यार बेला को ये लुक। अंडरडॉग और सर पे लिखा दूंगा अंडरग्राउंड, लगा भाई मेरी गोल्ड चेन का फ्लेक्स, आने लगे अभी घर तक मुझे चेक्स, चेंज होते रहते सुबह शाम मेरे प्लान, लोगों में मशहूर है
I'm loving this hook part. भाई जितने हुक बना रहे सारे हुक बहुत ज्यादा कैची हो रहे हैं और म्यूजिक जो भाई का साउंड है एक अलग ही साउंड है यार, मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है और तुम लोगों को भी लगता है ये मुझे पता है। तो तुम्हें पता है ना क्या करना है, भाई के चैनल पे जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और भाई को बहुत ज्यादा प्यार देना है। तो लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट ट्रैक लूसीफर होने वाला है। ट्रैक लिस्ट आ गई है क्या यार? पता नहीं, चेक करना पड़ेगा भाई का इंस्टा अकाउंट। ट्रैक लिस्ट अगर नहीं आई हो तो हो सकता है नेक्स्ट ट्रैक लूसीफर हो। हे ब्रो, थर्ड फर्स्ट मार्च ब्रो, फर्स्ट मार्च नेक्स्ट ट्रैक आ रहा है फर्स्ट मार्च को, तो तैयार रहना भाई। ये वाला ट्रैक में भी भाई मजा आया, मुझे लिटरली मजा आया। मतलब एक पुराना जो पुराना वो एग्रेसिव फ्लो आता था, एग्रेसिव स्पीड करता था, तगड़ी बातें करता था, सच बातें करता था, वो वाला चीज वापस मिला और मुझे मजा आया यार, लिटरली मजा आया। देख रहे हो पिछला ट्रैक जो मैंने किया था फील हाई वाले पे, वो भी मुझे पसंद आया था। और भाई की वर्सिटैलिटी देखो, अलग अलग किस्म का साउंड कर रहे हैं, एक साउंड नहीं कर रहे, सेम फ्लो नहीं रख रहा है, सेम किस्म की बातें नहीं कर रहे, खुद को एक्सप्लोर कर रहा है हर किस्म की। पिछला ट्रैक थोड़ा कमर्शियल था और भाई सेक्सी था, लिटरली सेक्सी था। और ये ट्रैक भी वो पुराना एकदम अंडरग्राउंड, स्ट्रेट आउट ऑफ अंडरग्राउंड। सो भाई का वो ट्रैक था ना असल पे, वी गो अंडरग्राउंड, कुछ उस तरीके का ट्रैक था ये, बहुत सही। मतलब उस तरीके का मीन्स उस वाइब का। तो चलो, अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। और मेरा चैनल भाई सब्सक्राइब करो या ना करो, बेला भाई के चैनल पे जाके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई को प्यार दो ताकि भाई ऐसे ही मोटिवेटेड रहे और ऐसे गाने और लाता रहे। तो जल्द मिलते हैं, जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।